हाइपरथायरायडिज्म में क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड का जो हार्मोन है थायराइड, उसे बहुत ज्यादा रिलीज होना शुरू कर देता है, ठीक है, बहुत ज्यादा रिलीज होना शुरू कर देता है। उसमें क्या है कि होता है क्या है कि आपके बॉडी के अंदर आपका इम्यून सिस्टम जो है कुछ ऐसी एबनॉर्मल एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है, ठीक है, कुछ ऐसी एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है जो कि क्या करती हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को ये कहती हैं कि थायरॉक्सिन जो है वो मुकम्मल नहीं है, वो कम है आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो होता है क्या कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज्यादा थायरॉक्सिन बनाना शुरू कर देता है, अब ज्यादा थायरॉक्सिन बन रहा है लेकिन उसको डिटेक्शन क्या हो रही है कि थायरॉक्सिन जो है वो कम है, होते होते क्या होता है आपके बॉडी के अंदर थायरॉक्सिन ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है, ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं जब आपका आपका अपना ही इम्यून सिस्टम आपके अपनी बॉडी सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना शुरू करते हैं, ठीक है, जब आपका अपना ही इम्यून सिस्टम आपके अपने ही बॉडी को सिस्टम को जो है वो डैमेज करना शुरू करते हैं, तो कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज, और अमूमन ऑटो इम्यून डिजीज का कोई इलाज नहीं होता, ठीक है। अच्छा, तो बात करते हैं, तो इस डिजीज को बेसिकली क्या कहते हैं, ग्रेव्स डिजीज कहते हैं, ठीक है, इस डिजीज को क्या कहते हैं, अमूमन ग्रेव्स डिजीज कहते हैं, जिसमें जो है आपकी आंखें प्रोट्यूड हो जाती है बाहर की तरफ, ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, ग्रेव्स डिजीज कहते हैं, ठीक है। तो अब देखें, अब यहाँ पे आपको समझ आएगी कि बेसिकली मतलब क्या है थायरॉयडिज्म का, थायरॉयड हार्मोन जो है थायरॉक्सिन, वो उसका फंक्शन क्या, ठीक है। यहाँ पे देखें मेटाबॉलिज्म रेट जो है वो ज्यादा हो गया, ठीक, मेटाबॉलिज्म रेट ज्यादा हो गया तो अब रैपिड और इरेगुलर हार्ट बीट वो ज्यादा होना शुरू हो जाएगी, ठीक, हर चीज ज्यादा होना शुरू हो जाएगी, नर्वसनेस यानी कि आप जो है वो एक किस्म का कंफ्यूजन का शिकार वगैरह होना शुरू हो जाएंगे, इंक्रीज वेंटिलेशन रेट, ठीक है, इंक्रीज वेंटिलेशन रेट के क्या क्या मुराद है कि आपकी बॉडी के अंदर रिएक्शन हो रहे हैं, ठीक है, तो उससे क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर हीट भी प्रोड्यूस होगी, ठीक है, ज्यादा रिएक्शन हो रहे हैं, ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है, अब हीट को लॉस करने के लिए क्या है कि एक तो आप वेंटिलेशन का प्रोसेस कर रहे हैं, दूसरा क्या है कि आप वो रिएक्शन जो हो रहे हैं वो ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन जो यूज हो रही है उसको फिर से फिल करने के लिए ज्यादा सांसें लेंगे, ठीक है, तो इंक्रीज वेंटिलेशन रेट हो जाएगा, हाई टेम्परेचर डेफिनेटली होगा, जब हाई टेम्परेचर होगा तो आपको स्वेटिंग भी प्रोसेस होगा, ठीक है, स्वेटिंग का प्रोसेस होगा, और वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा, वेट लॉस क्यों होगा कि जब सारे के सारे रिएक्शन होना शुरू हो गए तो वो आपकी बॉडी के अंदर जो स्टोर्ड मटेरियल था वो भी यूज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप मेटाबॉलिज्म रेट जो है वो ज्यादा हो गया, ठीक है, तो अब जो बेसिक मेटाबॉलिज्म था, जो हर चीज बेसिक थी वो होना शुरू हो गई है, ठीक है, तो इसके अंदर वो सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक जो एक नॉर्मल जो रेट होता है उसके ज्यादा कर दे, ठीक है। आगे इसकी बड़ी करेक्टर है जी एक्सोथेलमिया, ठीक है, एक्सोथेलमिया के अंदर क्या होता है कि आपकी आंखें जो है वो बाहर की तरफ प्रोट्यूट कर जाती हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, एक्सोथेलमिया कहते हैं, और वो इस ग्रेव्स डिजीज के अंदर होता है, ठीक है, आपकी आंखें जो है वो बाहर की तरफ प्रोट्यूट कर जाती हैं, ठीक है। अच्छा, और क्या है जी, स्वेलिंग अराउंड दी आई, आपकी आंखों के जो है वो स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगी, और आर्कबेट जो है यही रीजन जो है इसके अंदर स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगी, और ये सब कुछ किसकी वजह से होता है, हाई लेवल ऑफ थायरॉक्सिन इसी की वजह से होता है, और उसको क्या कहते हैं, हाइपर थायरॉयडिज्म, ठीक है, जिसमें थायरॉक्सिन या D4 या टेट्राहाइड्रोथायरोनिन जो है इसकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है।